जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि निचली अदालतें बेल क्यों नहीं देती, इसके कारणों को देखना होगा। और कई बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात पर आपत्ति जता चुके हैं कि निचली अदालतें बेल क्यों नहीं देती हैं। सीधा सीधा अर्थ यह है कि निचली अदालतें समय पर और अपना सही कार्य नहीं कर रही हैं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बार बार आपत्ति जताते हैं लेकिन सुधार नहीं होता है, इसके कारणों को देखना होगा। मेरे प्रश्न ये है कि जब देश की अदालतें सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, मैं नहीं बोल रहा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है, इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारा संरक्षण करता है, वो हमारी शक्ति है, इसलिए उसकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि निचली अदालतें सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। मेरे प्रश्न ये है कि जब निचली अदालतें सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, यानी कि देश की अदालतें जब सही काम नहीं कर रही हैं, तो कौन सी संस्था है जो सही काम करेगी, कौन व्यक्ति है जो सही काम करेगा? क्योंकि जनता की उम्मीद तो अदालतों पर होती है। और आज अदालतों की ये स्थिति कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये बोलना पड़े कि वो अपना काम सही नहीं कर रही हैं, कौन सा विभाग सही काम कर रहा है? किसी भी प्रशासनिक विभाग को आप देख लीजिए, कौन सा विभाग है जो अपना काम समय पर कर रहा है? एक देश की सेना को छोड़कर चाहे आप पुलिस प्रशासन ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे विद्युत विभाग ले लीजिए, रेलवे विभाग ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी विभाग ले लीजिए, सब में यही हाल है महोदय, सब में यही चल रहा है। आज कहीं पर भी लोग समय पर काम नहीं करना पसंद करते हैं। और प्रशासनिक कर्मचारी तो इस प्रकार से लोगों को यानी जनता कि आप कल आना, आप कल आना, कल आना, कल आना, कल आने में ही उस नागरिक की जिंदगी निकल जाती है लेकिन उसका काम नहीं होता साहब, उसका कार्यालय में काम नहीं होता। आज हमारे देश की यह हालत हो चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो इस बात की आपत्ति जता रहे हैं। और मैं इस पर ये बोल रहा हूँ कि जब अदालतें सही नहीं काम कर रही तो बाकी प्रशासनिक विभाग तो काम कैसे सही कर सकते हैं साहब, इसलिए हालातों को समझो, देखो, और प्रशासनिक विभागों में सुधार होना चाहिए। इनमें भ्रष्टाचार जो पनप रहा है रूस की तरह, सोवियत संघ की तरह, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। जो इसमें लापरवाहियां, देरियां और जो प्रशासनिक कर्मचारी अपने गद्दी को अपने बाप की जागीर समझने लग जाते हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वरना मामला खराब हो जाएगा। सोवियत संघ जैसी स्थिति बनने में समय नहीं लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बार बार ऐसे संकेत देते हैं, जनता को चेतावनी देते हैं, जनता को संकेत देने की कोशिश करते हैं कि देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है, देश में निर्वाचन आयोग सही नहीं चल रहा है, देश में अदालतें सही नहीं चल रही हैं, देश में प्रशासनिक विभाग सही नहीं चल रहे हैं। समझ जाइए, सुधर जाइए और जागरूक हो जाइए। लेकिन हमारे देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात क्यों सुनेगी जब उनके पास बहुत सारे लोग, अनपढ़ जाहिल लोग हैं बकवास करने के लिए उनके पास, तो वो उनकी बात सुनेगी? एक पढ़े लिखे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात क्यों सुनेगी वो? धन्यवाद।